नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करें, जैसा मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बता रखा है कि अकाल मृत्यु में गए हुए प्राणियों की जब तक क्रियाएं नहीं होती हैं तब तक उनको लाभ नहीं मिलता है, उनकी गति नहीं होती है। तो आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कि अकाल मृत्यु में गए हुए प्राणियों की गति के उपाय क्या हैं, क्या हमको उपाय करने चाहिए जिससे उन प्राणियों की गति हो सके। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि 13 दिनों के बाद में उनका 13वीं संस्कार करना चाहिए। कहीं कहीं पर चौथा भी होता है, परंतु विशेष करके 12वां भी होता है, 16वां भी होता है, परंतु हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म पद्धति के अनुसार 13 दिनों के उपरांत ही इस उपाय को, इस विधान को करना चाहिए। इससे पहले एकादश के दिन, एकादशा मतलब 11वां दिन जो होता है, उस दिन हमको उस प्राणी के लिए एकादशा शपिंडन श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, इस तरह की श्राद्धों को करना चाहिए जिसमें पिंड बनाए जाते हैं, खीर के पिंड होते हैं, जौ के पिंड होते हैं, उड़द की दाल के पिंड होते हैं, पिट्ठी जिसको बोलते हैं उसके पिंड होते हैं, खोए के पिंड होते हैं, नारायण बलि की जाती है। और इसके बाद में फिर शपिंडन श्राद्ध होता है। शपिंडन श्राद्ध के बाद में फिर बहुत से और कर्म होते हैं, प्रेत कर्म किया जाता है। प्रेत कर्म के बाद में इन्हीं 13 दिनों के मध्य में गरुण का पारायण भी कराना चाहिए, गरुण पुराण को भी सुनना चाहिए। अर्थात जिनके यहाँ पर मरने के बाद में गरुण पुराण सुनी जाती है, और गरुण पुराण भी सुनने के साथ साथ उस ब्राह्मण को शय्यादान भी देना चाहिए। शय्यादान भगवान विष्णु के लिए होती है और उस प्राणी के जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करती है। गौदान भी करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूमिदान, स्वर्णदान, अन्नदान, ऐसे विशेष महादानों को बताया गया है। ये जितनी आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उस हिसाब से दान करना चाहिए। और मित्रों, इसके साथ साथ में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो ऐसे प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। और भागवत महापुराण की कथा क्या है, बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भगवान की ये जो कथा है प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली है। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कर्ण जो था ये भागवत कथा को सुना रहा था और जो धुंधकारी था ये प्रेत बना था। फिर से एक बार मैं आपको बताऊं, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा के विषय में भागवत के अंदर आता है कि गोकर्ण जो था ये भगवान का भक्त था और जो धुंधकारी था ये प्रेत बना था। और प्रेत बनने के साथ में गोकर्ण की उत्पत्ति हुई थी गाय से और धुंधकारी की उत्पत्ति हुई थी पुरुष से, ब्राह्मण यहाँ पर ये धुंधकारी उत्पन्न हुआ था, जन्म लिया था इसने, परंतु इसने कोई सत्कर्म नहीं किए थे, इस कारण से ये प्रेत बना था। और फिर प्रेत पीड़ा को दूर करने के लिए गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया था। और इसका बहुत विधान है, बहुत, और अगर हम इसको नहीं करते हैं, प्रेत पीड़ा से उस व्यक्ति के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। व्यापार की समस्याएं बनी रहेंगी, पारिवारिक टेंशनें, उलझने, समस्याएं बनी रहेंगी, पुत्र पुत्रियों के विवाह में भी ये दिक्कतें करते हैं, और तो और हमारे घर के किसी सदस्य के ऊपर भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देते हैं। तो इस तरह से इन उपायों के द्वारा उस व्यक्ति की प्रेत पीड़ा से निवृत्ति करने के लिए मरने के बाद में ऐसी क्रियाओं को जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।